हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एकेडमी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में पार्ट फाइव या सिक्स प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन ये छूट गया था। वीडियो जल्दी से क्लोज हो गया था, है ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गया था ये क्वेश्चन। इसको हम लोग इसमें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज के वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 9 है उसको स्टडी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसके कुछ और ट्रिक्स भी समझेंगे और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, आइडेंटिटीज पढ़ लिया, है ना, एंगल्स पढ़ लिए, डिफरेंट थिंग्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिए और उसका कंप्लीट एप्लीकेशन हमको पढ़ते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बताया था कि ऑलरेडी ये कॉस साइन में है टर्म्स, राइट हैंड साइड को हम लोग चेक करते हुए चलेंगे। इसमें कॉसेक और कॉट के फॉर्म में हमको लाना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसेक और कॉट के टर्म में चेंज कर लेते हैं, या फिर इस पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे साइन से, है ना। तो हमें कुछ आगे प्रोसेस करने को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, कॉस ए अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन ए डिवाइड किया प्लस वन अपॉन साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन बाई साइन ऑफ ए। इसको करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, ये कॉस बाई साइन कॉट बन जाता है, कॉट ऑफ ए माइनस साइन साइन कैंसिल वन और प्लस वन बाई साइन कॉसेक, कॉट और कॉसेक के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम अरेंज करके रेशनलाइजेशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉट ऑफ ए प्लस वन माइनस कॉसेक ऑफ ए, यह माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ये जो फॉर्म है इसका माइनस चेंज रेशनलाइजेशन में माइनस करने के लिए सिमिलर फॉर्म में हम लोग इसको भी अरेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसी को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो यानी ये सिंबल को हम लोग ये पूरे सिस्टम को वहाँ पर नेगेटिव साइन लगा करके हम लोग रेशनलाइज करते हैं, कॉट ए माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस कॉसेक ए अपॉन ये सेम कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए माइनस बी ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये अरेंज हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग एलजेब्रिक फॉर्म से चेंज कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस और वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अंदर में इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉट ए ये तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस वन और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस वन, तो ए ब्रैकेट अंदर खुल जाएगा, ठीक है। मैं स्टेप चूंकि हमारे पास जगह नहीं है तो उसी को हम लोग ने क्या किया, उसको करते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉट ए माई डियर फ्रेंड्स, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी के फॉर्मूले पे हम लोग इसको थोड़े ब्रेक करेंगे। तो मैंने आपको बताता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला हमें पता है। अगर सपोज अगर यहाँ पर माइनस सिंबल कर देते हैं तो ये तीनों तो प्लस रहेंगे, बट यहाँ ए बी जहाँ जहाँ बी का टर्म होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ब्रेक कर लेते हैं और नीचे हम लोग थोड़ा इसका अलग अलग पार्ट समझेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी कॉट इंटू वन यानी माइनस ट्वाइस ऑफ कॉट ए, क्लियर, माइनस टू बी सी यानी माइनस टू कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद प्लस टू सी ए यानी प्लस ट्वाइस ऑफ कॉट इंटू कॉसेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस इसके अंदर वाले यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू कॉसेक ए। यहाँ तक माय डियर फ्रेंड्स इसको हम लोग समझ में आ गया प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ तक इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या किया हमने, कॉस ए साइन ए प्लस वन था, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन था, तो हम लोगों ने उसने ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये कॉट ए और कॉस ए के फॉर्म में आया। इसको हम लोग इस तरीके से रैशनलाइज किया अरेंज करके, उसके बाद ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको हम लोग ने ब्रेक कर दिया और नीचे हम लोगों ने इसको एज इट इज रखा और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिया। यहाँ तक ये है, आगे हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या अरेंजमेंट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। ठीक है, और अगर हम इसी को अरेंजमेंट करें तो वन बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी इस पूरे का रिप्लेसमेंट वन हो सकता है। ठीक है, और या तो अगर मान लो सिस्टम ऐसा है कि अगर हम माइनस कर दें तो ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी सही है, है नहीं। अगर ये सही है तो ये होगा, आया समझ में, और ये होगा तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए और इसी का हम लोग इस्तेमाल यहाँ करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ इसको हटा दें तो कॉट स्क्वायर ए हो जाता है और वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हम लोग पुट कर लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहीं पर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ये कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग इसको लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस इसको हम लोग पहले लिखते हैं, बताऊंगा किस लिए, टू कॉट ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद माइनस टू कॉट ए माइनस टू कॉसेक ए, इस तरीके से हमारा पूरा स्टेप ऊपर में आ गया। तो इन दोनों से हम लोग एक अरेंजमेंट बना लेंगे कॉमन, और इन दोनों से हम लोग एक अरेंजमेंट बना लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से अरेंज किया है। और नीचे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स इसको अंदर ब्रेक कर लेते हैं, पहले कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा टू कॉसेक ए। ठीक है, माइनस वन माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस टू कॉसेक ए। अब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस पूरे सिस्टम को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर के जगह पे हम लोग माइनस वन रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, और ऊपर में कॉमन ले लेते हैं यहाँ से टू कॉसेक ए। ठीक है, टू
कॉसेक ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारे प्रूफ करना था। तो ये कॉमन में हम लोगों ने इस तरीके से अरेंजमेंट करा है। माइनस, एक्चुअली मैं इस स्टेप को मैं अब रिड्यूस करता हूँ, माइनस मिटाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, टू कॉट लिया, टू कॉमन लिया माइनस टू, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखिए ये दोनों टर्म बराबर आ गया, माइनस टू कॉट ए माइनस टू कॉसेक, ठीक है। तो और नीचे माय डियर फ्रेंड्स नीचे हो जाएगा माइनस वन, तो पहले से था और इन दोनों का रिप्लेसमेंट माइनस वन, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ कॉसेक ए, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग यहीं पर, मैं मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ अरेंजमेंट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आप बोर्ड एग्जाम को जब लिखोगे तो आप स्टेप नहीं स्किप करना है ना, तो ये माइनस टू प्लस टू कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसको अरेंज कर लेते हैं, टू कॉसेक ए माइनस टू लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर में देखिए हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आप लिखते हैं तो ये हमारा बन जाता है अरेंजमेंट टू कॉसेक ए माइनस टू, ठीक है, अपॉन। तो यहाँ भी इस तरीके से लिखें, टू कॉसेक ए पहले प्लस पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं नेगेटिव को बाद में, तो ये देखिए सेम हो जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, बच गया ये। और ये क्या है हमारा माय डियर फ्रेंड्स आरएचएस, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट किया कॉस साइन प्लस वन को, दोनों ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड किया साइन से, और हमें ये कॉस और कॉट के फॉर्म में अरेंजमेंट आया, उसको रेशनलाइज करके हम लोग सिर्फ सॉल्व कर दिया अरेंज करके, तो हमारा जो है पूरा सिस्टम प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग स्टडी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें डियर फ्रेंड्स अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे और इसमें जानेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े, जितने भी हम लोगों ने एंगुलर वैल्यूज पढ़े, हम लोग कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके अपने जो चीज़ें हैं हमारे आसपास उसको हम लोग आसान कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हम लोग समझते हैं, जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होती है ना, लाइन ऑफ डिप्रेशिएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हम लोग कैसे एंगुलर वैल्यू से हम लोग चीज़ें हम लोग पता करते हैं, डिस्टेंस हाइट है ना, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाए, है ना, बाई यूजिंग एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हमें अगर किसी टावर को हम ऐसे देख रहे हैं किसी एंगल से, और उस टावर की हमें विदाउट मेजरमेंट हम कैसे हम लोग उसका हाइट अनुमान लगा सकते हैं, है ना, अगर वो मेजरेबल नहीं है तो हम लोग उसका कैसे कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, बेसिक फंडामेंटल है, मैं आपका एक बहुत अच्छा सा ट्रिक, मैं इसको बताने के बाद, इस चैप्टर को बताने के बाद या इसके साथ हर ही कॉन्सेप्ट में हम आपको ट्रिक भी बता देंगे जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़ें। तो आप माय डियर फ्रेंड्स देखिए कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और ये कोई एंगल है। तो अगर सपोज दैट ये हमारा, अगर ये हाइट जो है ये टावर के फॉर्म में है, ठीक है, टावर के फॉर्म में है, तो ये एंगल थीटा है, यानी एंगल थीटा यानी कि यह कोई ऑब्जेक्ट है जो, या कोई ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो बेस लाइन हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से किसी चीज़ को जब ऊपर की तरफ देखता है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और सपोज दैट यही भी जो है पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन हो गया और नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशिएशन हो गया, डिप्रेशन को है ना, अगर यानी कि हम लोग दूसरा सिचुएशन में जब हम एंगल बनेगा तो ऊपर से नीचे जब देखने की सिचुएशन में जो एंगल बनेगा
तो हमारा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा वन और एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा टू हो जाएगा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अलग अलग केसेस है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। और उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ये इमेजिन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन को और कैसे हम लोग सपोज और ये कर्व नहीं पता है, ये हाइट है और ये एक्स डिस्टेंस है और सिर्फ एंगल पता है ना, तो एंगल का जो है या फिर कोई भी एक हाइट आपको पता है दिया हुआ है तो इसका रिलेशनशिप से हम लोग ये हाइट ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं या फिर ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन लगता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हम लोग नए चैप्टर में जो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सपोज दैट इसी फिगर में हम लोग अगर एनालाइज किए, सपोज दैट आपको एक्स की वैल्यू पता है, मतलब कोई पर्सन यहाँ खड़ा है जो कि इस टावर से एक्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर के डिस्टेंस पे ये खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देख रहा है, इसके टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, ठीक है। सपोज दैट ये टावर है या फिर कोई भी चीज़ है, यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो इस टॉप ऑफ टावर को वो देख रहा है। तो देखने के क्रम में क्या हो गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट ये 60 डिग्री गिवन है और ये 90 डिग्री है ही, तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 है ये 60 है, तो ये कितना होगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री होगा, यानी एंगल सम हो गया, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछा जाएगा कि इस टावर का हाइट क्या होगा, इस टावर का हाइट क्या होना चाहिए। तो आप आराम से क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे, टेन का रेशियो आप दे सकते हैं, टेन ऑफ 60 इस एंगल ऑफ एलिवेशन में लगा देंगे, टेन ऑफ 60 आपको क्या रिलेशन देगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब चूंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड इसका बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस आपका तो गिवन है 10। तो टेन 60 का वैल्यू आपको मैंने बताया था माय डियर फ्रेंड्स रूट 3 होता है, तो एच अपॉन 10 इज इक्वल्स टू दिस मच, तो डायरेक्टली आप एच बराबर पता कर सकते हैं 10 को रूट से, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर करके, तो यानी कि आपका टावर का जो हाइट होगा इतना मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशंस न्यू चैप्टर में गिवन है, उसमें बेसिक फंडामेंटल चीज़ ये है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, ये सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल चीज़ें थोड़ी सी वो समझ लेनी है। और सबसे बेसिक चीज़ है कि जो डिक्टेशन क्वेश्चन का दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके उसका जो लाइन डायग्राम है ना, जो डायग्राम है उसको अच्छे से आप बनाएं और बनाने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है ना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी आपको उसको सॉल्व करवाऊंगा, है ना। अभी से ही हम लोग ट्रिक स्टडी करेंगे ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हमें बहुत ही सहायता मिलेगा, ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग एप्लीकेशंस के न्यू क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे न्यू पार्ट में माय डियर फ्रेंड्स। अभी इस पार्ट में यहीं तक वो जो क्वेश्चन छूट गया था उसके लिए मैंने ये पार्ट आपके लिए बना दिया था माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको अच्छा लगे, कहीं कोई दिक्कत हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, है ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स।